अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जे डॉट का पे लगी हुई है सेल, और जी विंटर सेल है। विंटर सेल में क्या क्या आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये हमें जाते हैं जो है ना, ये ड्रेस बहुत बहुत अच्छा लगा, बट अभी जो है ना मैं कोई भी ड्रेस बाय नहीं करना चाह रही, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने ड्रेसेस अनस्टिच पड़े हैं जो मुझे स्टिच करवाने हैं। बट ये मेरी सासू माँ देख रही थी कि शायद वो ले लें, तो ये था मीडियम साइज़ एंड दिस वॉज 5549 एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी तक याद है, क्योंकि कल परसों की बात है। तो 5549 में ये ड्रेस जो था स्टिच मीडियम साइज़ में मिल रहा था, और कह रहे थे ये सिर्फ वन पीस ही है। और जी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये आउटलेट कहाँ पे है, ये है जी डॉलमेन मॉल कराची तारक रोड, वहाँ का ये है आउटलेट। एंड ये प्राइजेस भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, कुछ आर्टिकल पे 40% था, कुछ पे 15 एंड कुछ पे 20% था, एंड प्राइजेस आपको साथ साथ नज़र आ जाएंगी। एंड जी और ये देखें, ये बहुत ही पुराने ड्रेसेस हैं, ये मैं काफ़ी दफ़ा इनके मतलब एक साल तो होने लगा ही है ये ड्रेसेस देखते हुए। एंड और क्या बात करनी थी मुझे, हाँ इंशाल्लाह जी ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी तारक रोड शॉपिंग ब्लॉग, इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें जो है आई थिंक सो बेबी गर्ल के ड्रेसेस भी होंगे एंड जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहेंगे। और बेबी गर्ल से याद आया यार, मैंने बेबी गर्ल के जो है ड्रेसेस शेयर किए हुए हैं अपनी बेटी के, उसमें से कुछ ड्रेसेस जो हैं वेडिंग ड्रेसेस भी हैं, और कुछ जो हैं हैंडमेड ड्रेसेस भी हैं, मतलब जो घर में बने हुए ड्रेसेस हैं वो हैं, और कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यार ये देखो, ये वाला कलर बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, रोज़ पिंक कलर, एंड रोज़ पिंक कलर के ड्रेसेस भी मैंने बाय करके रखे हुए हैं एंड अभी स्टिच करवाने हैं, तो इसलिए मैं नहीं बाय नहीं कर रही। और देखें यहाँ पे इतनी इतनी प्यारी 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 वैरायटी है। अच्छा मुझे लगता था कि मुझे आजकल ना बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदने का जुनून हुआ है, लेकिन जब मैं शॉर्ट वीडियो चेक करती हूँ ना इधर उधर से टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, तो पता चलता है कि हर लड़की को जो ना हर औरत को एक शौक होता है कि अपनी अलमारी कपड़ों से भर ले, बस बाहर जाती हैं उनको दो तीन का सूट लाजमी कोई ना कोई अच्छे लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर भी बहुत बहुत कपड़े अच्छे लग रहे थे, बट मैंने कहा नहीं सिद्रा कुछ भी नहीं लेना तुमने, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ अनस्टिच ड्रेसेस। और मैंने कुछ स्टिच ड्रेसेस भी लिए हैं एंड वो मीडियम साइज़ में हैं, और मुझे इतने इतने ज़्यादा लूज़ हैं और मुझे उनको भी जो है फिटिंग करनी है पड़े। ये एक ड्रेस मैंने काम दिया था दर्जन को, बट उसने कोई ख़ास जो है ना सही स्टिच नहीं किया, तो मुझे खुद जो है ना लगता है खुद ही अपने कपड़े सही करने पड़ेंगे। तो ये चलें जी, ये देखें बहुत ही प्यारी कलेक्शन है। और जी अगर आपने अभी तक ड्रेसेस नहीं बाय किए और आप सेल से बाय करने चाहते हैं, तो अभी अभी बाय कर लें, यही कुछ दिन हैं जब सेल लगेगी, देन उसके बाद जी न्यू अराइवल आ जाने हैं जिसमें समर कलेक्शन होगी, और इंशाल्लाह रही जिंदगी तो टाइम मिला तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये देखें ये जो सारी अब मैं रोज़ शेयर करी, पहले मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो थ्री पीस ड्रेसेस थे, एंड ये है जी टू पीस ड्रेसेस, एंड इस पे लगी हुई है 50% सेल टू पीस ड्रेसेस के ऊपर। एंड इसमें से काफ़ी ड्रेसेस जो है 1100 कह रही हूँ 1500 1900 2000 2100 में थे, एंड यकीन माने जो जो ड्रेस मुझे पसंद आ रहा था ना वो 2000 प्लस में थे वरना यहाँ पे 1500 वाले भी थे 1900 वाले भी थे ड्रेसेस टू पीस में, बट जो जो मुझे ड्रेस पसंद आया वो 2000 से ऊपर का ही था, बट मैंने कहा नहीं लेना ही नहीं है, बेशक जितने मर्जी कहो मुझे नहीं लेना। तो ये देखें प्राइजेस भी मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ, आप प्राइजेस चेक कर लें क्या क्या प्राइजेस हैं, एंड फैब्रिक भी चेक कर लें। कुछ फैब्रिक जो है यार लोन वाले भी थे और कुछ विंटर वाले भी थे, इन्होंने हर तरह के कपड़ों के ऊपर सेल लगाई हुई है। ये तो ये देख लें 2344 का 2344 का है ये फैब्रिक ड्रेसेस, एंड ये वाला चेक करें ये भी बहुत प्यारे थे, ये जो ये इसके ऊपर भी 40% लिखा हुआ है, ये जो सबसे ऊपर वाला मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये कलर इतना डल था मैंने कहा नहीं यार अच्छा भी होता तो अभी मैं कौन सा लेने लगी थी। और एंड इस ये जो ड्रेस पे मैं फोकस कर रही हूँ, ये ड्रेस लिया है जी मेरी सासू माँ ने, एंड इसकी प्राइस भी आप चेक कर लें, आई थिंक सो ये है 1500 1600, अभी फोकस करते हैं तो शायद आपने देख भी लिया होगा ये वाली ड्रेस की प्राइजेज, एंड चलें जी 1920 का ये वाला ड्रेस है, और ये मेरी सासू माँ ने लिया, उनको ये वाला अच्छा लगा था क्योंकि गोल्डन कलर जो है उनका फेवरेट कलर है, गोल्डन कलर उनको कहीं भी नज़र आ जाता है ना वो इकट्ठा कर वो ले लेती हैं, हर इंसान की पसंद अलग होती है, वैसे मुझे भी गोल्डन और ब्लैक कलर का कम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें गोल्डन कलर उन्होंने ये वाला ड्रेस लिया है, और जी बाकी प्राइस ड्रेस की प्राइस भी देख लें, ये वाला मैं देख रही थी और सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ, बट नहीं 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 लिया,
तो आप में से किसके साथ ऐसा होता है कि आप भाई जाएँ शॉपिंग पे, किसी और के साथ जाते हैं पर आपका दिल करता है कि आप खुद भी सूट बाय कर लें, तो बट आप कहते हैं कि नहीं लेना या फिर लेके आ जाते हैं। पर मैंने इस दफ़ा सोच लिया था कि मुझे नहीं लेने कुछ भी हो जाए। ये वाली रो भी चेक करें, यहाँ पे भी बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी। एंड जो मैंने आपके साथ पहले जो सारे फैब्रिक मतलब के आर्टिकल शेयर किए हैं जे डॉट के, वो थे जी डॉलमेन मॉल कराची के। और ये हैं जी जो अब मैं शेयर कर रही हूँ, ये है कहाँ के, मेट्रो एयरपोर्ट के पास जो मेट्रो है ना, वहाँ पे भी जे रोड का एक आउटलेट है। तो ये सारे जो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वहाँ के हैं। एंड स्टिच ड्रेसेस पे भी काफ़ी सेल लगी हुई है। एंड स्टिच ड्रेसेस भी जो है मैंने लिए तो हैं एक दो, यार वीडियो बननी नहीं रही, टाइम ही नहीं मिल रहा आजकल। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है ना, तो आपको पता है जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ज़रा सा काम वाली आती है ना, उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। एंड वो पोचे वाला पानी रखती है, एंड ये मैडम जो है अपने कपड़े गीले करती है, तो बहुत बहुत केयर करनी पड़ती है सुबह के टाइम। एंड दोपहर में भी इसका यही हाल होता है, इसके पीछे पीछे भाग के इसकी ध्यान करना पड़ता है और इसी तरह से टाइम गुजर रहा है। ये देखिए वाला कलर बहुत ही प्यारा कलर है, ग्रीन कलर किसका फेवरेट है यार। तो ये देखें आप वीडियो और देखें, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए हुए हैं जे डॉट पे भी। एंड जी सेल ख़त्म होने से पहले जाएं और बाय कर लें जे डॉट के अलावा और भी आउटलेट पे, सब पे ही सेल लगी हुई है। और ये वाला ड्रेस जो है मैंने लिया हुआ है, एंड अब जब मैंने लिया था तब सेल नहीं थी, बट अब 15% सेल पे ये मिल रहा था। और बस फिर की कह सकते हैं, जब हमें लेना था ले लिया। और ये देखें अगेन अनस्टिच्ड ड्रेसेस, और इन पे भी देख लें 50% सेल है। और मेरा यार पता क्या मानना है, जो 50% सेल वाले होते हैं वो तकरीबन साल दो साल पुराने होते ही होते हैं, वो इस सीज़न के नहीं होते, वो पिछले साल के ही होते हैं ज़्यादातर जो 50% सेल वाले होते हैं। एंड मैंने आई थिंक सो अलकरम से या निशात से, अलकरम से शायद लिया है एक ड्रेस, एंड आई थिंक वो जकार्ड पे है। एंड वो जो है ना, जब मैंने उसका आर्टिकल चेक किया नेट पे लेने के बाद, तो पता चला वो तो पिछले साल का है। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि जो भी 50% की सेल वाले होते हैं ना, वो ज़्यादातर साल दो साल पुराने ही होते हैं। जो मतलब कि इस साल के होते हैं वो 15% में या 20% में ये लगाते हैं सेल पे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है आपने मुझे लाजमी बताना है। और जी आपको बहुत ज़्यादा शोरों की आवाज़ आ रही होगी, ये थोड़ा बहुत जो है हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ है। और जी बाकी वीडियो आप इंजॉय कर लें। और ये देखिए ये वाला मैं सोच रही हूँ यार, मेरा एक ड्रेस है एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ उसका ना अंगरखा टाइप बनाऊँ, बट जब मैंने उस कपड़े का आर्ट वो चेक किया ना प्रिंट, तो उसका ये था प्रिंट ना जो है, अगर मैं उसमें कलियाँ बनाने की कोशिश करूँगी तो बिल्कुल भी फ्रॉक टाइप अंगरखा नहीं बन रहा, तो कमीज़ टाइप बन रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि उसका अंगरखा बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो जी यहाँ पे दुनारा चलते फिरते थक के सो गई थी और हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे चाट खाई। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं लगी तो भी यार कुछ नहीं होता। खैर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आपने अगर यहाँ तक देखी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।